सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और सवाल आपका एक है कि भाई क्लासेस को लेकर के और इंडक्शन मीट को लेकर के यूनिवर्सिटी वाले ना कुछ अपडेट दे रहे हैं, ना ही अपडेट दे रहे हैं। ये पेपर वाले ना अपडेट दिया आज मॉर्निंग में, ना ही आपके कॉलेज वाले ऑफिशियली अपने साइट पर ला रहे हैं कि भाई इतना तारीख से इंडक्शन मीट है या इतना से क्लासेस स्टार्ट है। ये क्या हो रहा है पटना यूनिवर्सिटी में? वास्तविकता ये है कि मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कर क्यों रहा है, बट आपके लिए क्या करना चाहिए ऐसा सिचुएशन में, इसको लेकर के मैं बात करूंगा कि आपको क्या करना है। जब नोटिस नहीं है तो क्या कीजिए, कल क्लास जाइए, कल कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है, और अगर नहीं जाइए तो क्या कोई दिक्कत है, ये सारी बातों को लेकर के डिस्कस करेंगे। क्योंकि अपने सोहन भैया बहुत परेशान है और कमेंट्स देख करके ही मैं समझ गया हूँ कि कितना आपको परेशानी हो रही होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। इस परेशानी का मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो गाइस, अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बताते हैं आपको करना क्या है, और अभी एक एक करके हर कॉलेज के साइट पर जाकर के मैं खुद चेक करूंगा, चाहे वो मगध महिला कॉलेज का साइट हो, चाहे वो अपना पटना कॉलेज का साइट हो, चाहे वो अपना वाणिज्य महाविद्यालय का साइट हो, चाहे वो अपना बीएन कॉलेज का साइट हो, चाहे वो अपना पटना साइंस कॉलेज का साइट हो। फिलहाल में अभी मैं हूँ पटना यूनिवर्सिटी के साइट पर, और रिगार्डिंग द इंडक्शन मीट, जनरली 2022 में जब एडमिशन का जो पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट खत्म हुआ था, तो मैं आपको बता दूं पेपर में भी अपडेट आया था। पेपर में यूनिवर्सिटी वालों ने छपवाया था कि सारे बच्चों को इंडक्शन मीट अटेंड करना है, इतना तारीख को इंडक्शन मीट होगा, लेकिन इस बार अभी तक पेपर में भी ये न्यूज़ नहीं छपा है। इसका मतलब ऑफिशियली अभी तक ये अनाउंस नहीं किया गया है, मतलब इसमें थोड़ी और देरी लग सकती है ये उम्मीद है। लेकिन जब तक नोटिस नहीं आएगा, जब तक आप अपने आँख से नोटिस खुद से साइट पर नहीं दिखेगा, जाने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत हो जाएगा अगर छूट भी जाएगा तो, इसलिए उतना टेंशन लेना नहीं है। जब कॉलेज के साइट पर नोटिस देख लेना है तभी आप कॉलेज जाइएगा इंडक्शन मीट को लेकर के, और इंडक्शन मीट के दिन जाइएगा तो फिर तो आपको ये पूरी राम कहानी ही पता चल जाएगी कि क्लास कब से होगा, क्या रूटीन है, ये सब आपको एक बार कॉलेज जाने से पता चल जाएगा। लेकिन जो दूर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमें इन्फॉर्मेशन देना है, इसलिए मैं आपके लिए ये सजेशन वाला वीडियो, आपके डिस्कशन वाला वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। एक एक करके साइट पर चलेंगे। फिलहाल अभी यूनिवर्सिटी के साइट पर रिगार्डिंग द इंडक्शन मीट, रिगार्डिंग द क्लासेस कोई भी प्रकार का अपडेट नहीं है। तो इस बार के अभी तक के अपडेट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी वालों ने इंडक्शन मीट को लेकर के कुछ भी अपडेट नहीं किया। तो चलिए, इस बार तो कोई ऐसा नोटिस आया नहीं है, तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब तक कॉलेज से नोटिस नहीं आ जाए उसके नोटिस बोर्ड पे, और ये नोटिस ऑनलाइन आएगा क्योंकि सारे बच्चों को पता चलना चाहिए। तो एक एक करके चलते हैं कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे, और जिसका नोटिस आया हुआ रहेगा उसका इंडक्शन मीट के बारे में वहाँ बताया रहेगा, क्लासेस के बारे में बताया रहेगा, और अगर नोटिस नहीं आता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे उसके, हम लोग को नहीं जाना है, सिंपल सा समझिए। मतलब जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक जाना नहीं है, चाहे वो मगध महिला कॉलेज हो, चाहे वो बीएन हो, चाहे वो पटना कॉलेज हो, या फिर आपका कोई और। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं, एक एक करके चलते हैं कॉलेज के साइट पर और चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं मगध महिला कॉलेज के साइट पे। इसके लिए हम लोग टाइप करेंगे गूगल पे मगध महिला कॉलेज। जैसे ही मगध महिला कॉलेज टाइप करेंगे पहला वाला लिंक लेंगे, पहले वाले लिंक को ओपन करेंगे। लिंक ओपन होने के बाद साइट आपका मगध महिला कॉलेज का खुलेगा। कैसे आपको नोटिस चेक करना मैं एक एक करके बता रहा हूँ। मगध महिला कॉलेज का देखिए साइट खुला, साइट खुलने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए आता है करेंट नोटिस में। तो अभी किसी भी प्रकार का नोटिस आपका इसके रिगार्डिंग नहीं है, यानी इंडक्शन मीट के रिगार्डिंग नहीं है। इसका मतलब अभी तक नोटिस नहीं आया, इसका मतलब अभी तक इंडक्शन मीट का प्लान नहीं किया है मगध महिला कॉलेज। तो आपको मगध महिला कॉलेज कल जाने की ज़रूरत है। जिस दिन नोटिस आ जाएगा उस नोटिस में लिखा रहेगा कि किस दिन आपका इंडक्शन मीट होगा, तो जिस दिन इंडक्शन मीट के बारे में लिखा रहेगा उसी दिन जाइएगा। दूर है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो भी जाएगा इंडक्शन मीट, बाय द वे अगर आपसे छूट भी जाता है तो कोई भी ज़्यादा चिंता करने की बात है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। और अगर आप यहाँ पे नोटिस प्रॉपर देख लेते हैं, हालांकि मैं वीडियो बना दूंगा जब आएगा, तो उसके बाद अगर आप नोटिस देख लीजिएगा तो फिर क्या कर लीजिएगा इंडक्शन मीट के लिए चले जाइएगा। आगे दूसरे कॉलेज की बारी है, मगध महिला के बाद हम चेक करते हैं बीएन कॉलेज के बारे में, क्योंकि हर साल नोटिस आता है। पिछले साल भी जब था तो नोटिस आया था, देखिए मैं पिछले साल का यहाँ पर अपडेट होगा तो मैं दिखा दूंगा। चलते हैं बीएन कॉलेज के साइट पर, बीएन कॉलेज पटना लिखना है गूगल पर आकर के, टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप कीजिएगा गूगल पे सर्च करेगा, सर्च करने के बाद सबसे ऊपर का जो बिहार नेशनल कॉलेज है इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन कीजिएगा इस तरीके का खुल जाएगा मैसेजेज और पॉपअप खुल जाएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे दिखाता है न्यूज़ एंड नोटिस का, न्यूज़ और नोटिस के सेक्शन में आपको दिखा देगा, ठीक है। जैसे देख सकते हैं जो पिछला साल था, देखिए था इंडक्शन मीट 22-25, पिछले साल का नोटिस आया था, सेम तरीके से आपके लिए आएगा नोटिस इंडक्शन मीट 2023-27। तो इस वाले नोटिस पर ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका आएगा नोटिस तभी आप कॉलेज जाइएगा। तो अभी तक बीएन कॉलेज की तरफ से भी नहीं आया है, इसका मतलब कल बीएन कॉलेज में भी इंडक्शन मीट ये सब नहीं है, क्लासेस भी स्टार्ट होने को लेकर के
किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टाइप करते हैं पटना कॉलेज, पटना कॉलेज का भी चेक कर लेते हैं। पटना कॉलेज टाइप करने के बाद कुछ इस तरीके से खुलेगा। आपको क्या करना है, पटना कॉलेज के साइट पर चलना है। ये है अपना पटना कॉलेज का साइट, क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं इस प्रकार का पेज खुलता है। यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ वाले सेक्शन में आते हैं। यहाँ भी इंडक्शन मीट को लेकर के किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं है। रफली अगर मैं बात करूँ, जब तक यूनिवर्सिटी वाले अप्रूवल नहीं देंगे इसको इंडक्शन मीट को लेकर के, तब तक ये नोटिस को लगाएगा ही नहीं। और अगर यूनिवर्सिटी वाले अगर ऑर्डर दे देंगे कि चलो भाई आप इंडक्शन मीट करो कॉलेज वाले, तो वो पेपर में अपडेट ज़रूर आएगा। तो पहले पेपर में अपडेट आएगा, फिर नोटिस आएगा, फिर मैं आपको बता भी दूंगा। अभी मैं रियलिटी चेक भी कर दे रहा हूँ कि अगर मैं प्रॉपर वीडियो बना नहीं पाया, टाइम नहीं मेरे को मिल पाया, क्योंकि अभी एडमिशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैं भी बिजी रहूँगा। पाटलिपुत्र का है, पटना यूनिवर्सिटी का है, फिर पीजी का एडमिशन है, तो हो सकता है आगे पीछे थोड़ा सा वीडियोज़ हो जाए, बट मैं आपको प्रोसेस इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा खुद से। पटना कॉलेज के बाद आगे बढ़ते हैं, सेम तरीके से वाणिज्य महाविद्यालय के साइट पर चलते हैं। तो हम लोग यहाँ टाइप करेंगे वाणिज्य महाविद्यालय। वाणिज्य महाविद्यालय जैसे ही लिखिएगा इस प्रकार का पॉपअप खुलता है। आप इस पेज पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप पेज पे क्लिक कीजिएगा इस तरीके का साइट खुलेगा। आप क्या कर लीजिएगा, उसको खोल लीजिएगा। खोलने के बाद सेम तरीके से यहाँ आ जाइएगा लेटेस्ट न्यूज़ में। देख सकते हैं हॉस्टल वाला नोटिस है, लेकिन अभी इंडक्शन मीट वाला नोटिस नहीं। इंडक्शन मीट वाला नोटिस आएगा, लगा देगा, तभी आप जाइएगा कॉलेज इंडक्शन मीट के लिए। सेम तरीके से साइंस कॉलेज के बारे में बात करें, आप टाइप कर लीजिएगा पटना साइंस कॉलेज। यहाँ पर आपको सेम एस टाइप कर लेना है, पटना साइंस कॉलेज। पटना साइंस कॉलेज टाइप करने के बाद इस तरीके का साइट खुलता है। साइट खुलिएगा, इसका भी नोटिस वाला सेक्शन है, लेटेस्ट इवेंट में दिखाता है। तो आप लेटेस्ट इवेंट वाले सेक्शन पर जाकर के देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, तो शायद पटना साइंस कॉलेज का जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसको खुलने को लेकर के कुछ इशू है। कोई बात नहीं, खुल जाएगा आपका। सेम तरीके से आप चेक कर लीजिएगा, मतलब चेक करने के बाद ही देखिए कुछ सर्वर का इशू है, कोई बात नहीं, आप सेम तरीके से चेक कर लीजिएगा। जैसे मैंने हर कॉलेज का बताया उसी तरीके से साइंस कॉलेज का भी चेक कर लीजिएगा। एक बात आप रफली ध्यान रखिए, अगर यूनिवर्सिटी वाला ऑर्डर देता है, अप्रूवल देता है इंडक्शन मीट को लेकर के, तो सबसे पहले पेपर में ज़रूर अपडेट आएगा। पेपर में अपडेट आने के बाद कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर जो ऑनलाइन जैसे मैंने अभी चेक किया था वहाँ आ जाएगा नोटिस। जब तक ये चीज़ नहीं आएगा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको रफली बता दिया। तो इस तरीके से अभी का जो आपका सिचुएशन था, अभी का जो आपका कन्फ्यूजन का सिचुएशन था, उससे मैंने आपको बाहर किया। यानी रफली कहा जाए तो कल आपका इंडक्शन मीट को लेकर के, कहीं आपका इंडक्शन मीट का प्रोग्राम अरेंज नहीं किया गया है तो आपको कल जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।